बड़ी खबर सामने आ रही है, कुर्ला में बिल्डिंग गिरने पर इमारत रहने पर अब हड़कंप मच चुका है, क्योंकि 11 लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। जी हां, सुबह तक मरने वालों की संख्या एक थी, लेकिन अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। सोमवार देर रात कुर्ला में ये हादसा हुआ, जहां 4 मंजिला इमारत गिरी, 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया, राजावाड़ी और सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ कई देरों तक, कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अभी तक फिलहाल 16 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। 21 लोग बिल्डिंग में थे जो उस वक्त इमारत गिरी, उस वक्त 21 लोग बिल्डिंग में थे। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। आदित्य ठाकरे भी मौके पर पहुंचे हुए थे और आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में एक्शन होगा, क्योंकि इस बिल्डिंग को पहले से ही जर्जर घोषित किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग, जो रहवासी थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।